हेलो दोस्तों, आप सभी का जयंता क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आज के इस वीडियो में हम इवोल्यूशन चैप्टर से एम्स के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो ही हम आप लोग की हेल्प करने के लिए बनाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एम्स में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और एसेशन रीजन। तो पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि प्लीज़ हमारी वीडियो को ऑनलाइन देखें, डाउनलोड ना करें। अगर डाउनलोड करना भी है तो एक बार तो ऑनलाइन पूरा वीडियो देखने के बाद ही करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय सिलेक्टिव ब्रीडिंग इज कॉल्ड। विज्ञान की वह शाखा जो कि किसी भी इम्प्रूवमेंट ह्यूमन ह्यूमन रेस में इम्प्रूवमेंट ब्रीडिंग करके, ठीक है, इम्प्रूवमेंट करती है उसके ब्रीडिंग में, तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए यूजेनिक्स, ऑप्शन बी यूथेनिक्स, ऑप्शन सी यूफेनिक्स एंड ऑप्शन डी ऑब्स्टेट्रिक्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यूफेनिक्स। क्वेश्चन नंबर टू, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्काइज। एनिलिडा और मोलस्का के बीच का कनेक्टिंग लिंक क्या होता है? ऑप्शन ए नियोप्लीना, ऑप्शन बी नोटिलस, ऑप्शन सी ग्लोचिडियम एंड ऑप्शन डी वेलिगर लार्वा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नियोप्लीना इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिड्स एंड मोलस्क। 1998 में यह क्वेश्चन आया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थ्योरी ऑफ पेन जेनेसिस वॉज गिवन बाई। पेन जेनेसिस थ्योरी को किसने दिया था? ऑप्शन ए लेमार्क, ऑप्शन बी ऑपेरिन, ऑप्शन सी डार्विन एंड ऑप्शन डी डिवरिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डार्विन। ये भी क्वेश्चन 1998 में आया था। क्वेश्चन नंबर फोर, द क्रैनियल कैपेसिटी वाज लार्जेस्ट एमंग द ह्यूमन। के किस किस ह्यूमन में जो क्रैनियल कैपेसिटी थी वह सबसे अधिक थी? ऑप्शन ए पेकिंग मैन, ऑप्शन बी अफ्रीकन मैन, ऑप्शन सी जावा एप मैन एंड ऑप्शन डी नीएंडरथल मैन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नीएंडरथल मैन हैज हाईएस्ट क्रैनियल कैपेसिटी अबाउट 1450 cc, रफली इक्वल टू दैट ऑफ मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन के लगभग इक्वल था। क्वेश्चन नंबर फाइव, अ बेबी हैज बीन बॉर्न विथ अ स्मॉल टेल इट इज द केस एग्जिबिटिंग। एक बेबी का जन्म हुआ है जिसमें छोटी सी टेल है, यह कौन सा केस है? ऑप्शन ए रेट्रोग्रेसिव वॉल्यूशन, ऑप्शन बी म्यूटेशन, ऑप्शन सी एटेविज्म एंड ऑप्शन डी मेटामॉर्फोसिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एटेविज्म। एटेविज्म इज द रीअपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल एंड नॉट पेरेंटल कैरेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट अकर नॉर्मली। क्वेश्चन नंबर सिक्स, होमोसेपियंस इंप्लाइज। होमोसेपियंस का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए ह्यूमन रेस, ऑप्शन बी ह्यूमन बींग्स, ऑप्शन सी मॉडर्न मैन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ह्यूमन बींग्स। 2007 में आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेवन, द स्टडी ऑफ होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स इन मेच्योर ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड एविडेंस फॉर द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स एमंग सर्टेन ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच फील्ड ऑफ स्टडी इंक्लूड्स दिस एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। करेगा जो होमोलॉगस स्ट्रक्चर का अध्ययन होता है मेच्योर ऑर्गेनिज्म के अंदर, वह हमें एविडेंस देता है कि इनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, इवोल्यूशन में इनमें क्या चेंज आए और क्या उनमें रिलेशन है बहुत सारे ऑर्गेनिक बीच में, या किस फील्ड को डिनोट करता है? ऑप्शन ए कंपरेटिव काइटोलॉजी, ऑप्शन बी बायोकेमिस्ट्री, ऑप्शन सी जियोलॉजी एंड ऑप्शन डी कंपरेटिव एनाटॉमी। क्वेश्चन नंबर सेवन, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कंपरेटिव एनाटॉमी। क्वेश्चन नंबर एट, डार्विन फिंचेस बेयर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ। डार्विन के जो फिंचेस थे वे किसके अच्छे एग्जाम्पल हैं? ऑप्शन ए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ऑप्शन बी एडॉप्टिव रेडिएशन, ऑप्शन सी म्यूटेशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर है एडॉप्टिव रेडिएशन। नीट 30 ईयर में भी पूछा जा चुका है। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देखें, वहाँ पर आपको इवोल्यूशन का नीट 30 ईयर वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, विंग्स ऑफ पिजन मॉस्किटो एंड बैट शो
पिजन का जो पंख होता है, मच्छर का और बैट का, वह क्या शो करता है? ऑप्शन ए डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ऑप्शन बी एटेविज्म, ऑप्शन सी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विंग्स ऑफ बर्ड्स इंसेक्ट मैमल्स आर एनालॉगस ऑर्गन्स। एंड पिजन बर्ड है, मॉस्किटो इंसेक्ट है और बैट क्या है, मैमल है। ये सभी एनालॉगस ऑर्गन होते हैं, मीन्स सेम फंक्शन एंड डिफरेंट ओरिजिन। यह क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है अब तक, 1999, 2007 एंड 2011। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई लेमार्किज्म। इसमें से किस चीज़ को हम लेमार्किज्म के द्वारा नहीं एक्सप्लेन कर सकते? ऑप्शन ए अब्सेंस ऑफ लिप्स इन स्नेक्स, ऑप्शन बी लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, ऑप्शन सी डी जनरेशन ऑफ विजुअल एपरेटस इन केव ड्वेलर्स एंड ऑप्शन डी डल प्रोजेनी ऑफ नोबल लॉरिएट। डल प्रोजेनी ऑफ नोबल लॉरिएट, इसमें जो स्टेटमेंट है वह जो जिसे हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते लेमार्किज्म के द्वारा, वह है ऑप्शन डी डल प्रोजेनी ऑफ नोबल लॉरिएट। यह क्वेश्चन आया था 2012 में। क्वेश्चन नंबर 11, थॉर्न ऑफ बुगनबिलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा आर एग्जाम्पल ऑफ। बुगनबिलिया का जो थॉर्न होता है और कुकुरबिटा का जो टेंड्रिल होता है, किसके एग्जाम्पल हैं? ऑप्शन ए एनालॉगस ऑर्गन्स, ऑप्शन बी होमोलॉगस ऑर्गन्स, ऑप्शन सी वेस्टिजियल ऑर्गन्स एंड ऑप्शन डी रेट्रोगेसिव इवोल्यूशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी होमोलॉगस ऑर्गन। 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 12, फोर लिम्स ऑफ कैट लिजार्ड यूज इन वॉकिंग, फोर लिम्स ऑफ व्हेल यूज इन स्विमिंग एंड फोर लिम्स ऑफ बैट यूज इन फ्लाइंग आर एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल हैं? कैट लिजार्ड का जो फोर लिम होता है चलने के काम आता है, व्हेल का जो फोर लिम होता है तैरने के काम आता है, जबकि जो बैट का होता है उड़ने के काम आता है। ऑप्शन ए एनालॉगस ऑर्गन, ऑप्शन बी एडॉप्टिव रेडिएशन, ऑप्शन सी होमोलॉगस ऑर्गन एंड ऑप्शन डी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी होमोलॉगस ऑर्गन। 2014 में आया था। क्वेश्चन नंबर 13, द डायग्राम रिप्रेजेंट्स मिलर्स एक्सपेरिमेंट, चूज द करेक्ट कम्बिनेशन ऑफ लेबलिंग। यह डायग्राम मिलर के एक्सपेरिमेंट को दर्शाता है, करेक्ट कम्बिनेशन चूज करिए लेबलिंग का, ए बी सी डी ई क्या? ऑप्शन ए ए इलेक्ट्रोड है, बी एन एच थ्री प्लस एच टू प्लस एच टू ओ है प्लस सी एच फोर है, सी कोल्ड वाटर है, डी वैक्यूम है, ई है यूट्रेम। ऑप्शन बी ए इलेक्ट्रोड, बी एन एच फोर प्लस एच टू प्लस यू टू प्लस सी एच थ्री, सी हॉट वाटर, डी वैक्यूम एंड ई यूट्रेम। ऑप्शन सी ए इलेक्ट्रोड, बी एन एच थ्री प्लस एच टू ओ, सी हॉट वाटर, डी टैप एंड ई यूट्रेम। क्वेश्चन ऑप्शन डी आई ए इलेक्ट्रोड, बी एन एच थ्री प्लस एच टू प्लस एच टू ओ प्लस सी एच फोर, सी स्टीम, डी वैक्यूम एंड ई यू ट्रैप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ए इलेक्ट्रोड है, बी एन एच थ्री प्लस एच टू प्लस एच टू ओ प्लस सी एच फोर है, सी कोल्ड वाटर है, डी वैक्यूम है एंड ई यू ट्रैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, अ पॉपुलेशन इज इन हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। एक पॉपुलेशन हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम है फॉर अ जीन विथ ओनली टू एलील्स, जिसमें केवल दो एलील हैं। इफ द जीन फ्रिक्वेंसी ऑफ एन एलील ए 0.7, अगर एक एलील की जीन फ्रिक्वेंसी 0.7 है, देन द जीनो टाइप फ्रिक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल एच, तो कैपिटल ए स्मॉल ए का फ्रिक्वेंसी कितना होगा? आपको आंसर बताना है। तो अगर ए 0.7 है, कैपिटल ए 0.7 है, तो स्मॉल ए कितना होगा? 1 माइनस 0.7 0.3 होगा, और कैपिटल ए स्मॉल ए के लिए जो उनका है वो है पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। तो उस हिसाब से हम 2PQ की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 × 0.7 × 0.2 कर देंगे और आंसर आ जाएगा 0.42। 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 0.42 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, एलील एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन विल रिमेन कॉन्स्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द एब्सेंस ऑफ अदर इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंसेज। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एलील जो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी होता है किसी पॉपुलेशन का, वो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है अलग अलग जनरेशन में, ठीक है, बहुत सारे जनरेशन तक। अगर वहाँ पे दूसरे इवोल्यूशनरी जो फैक्टर्स होते हैं वे एब्सेंस होते हैं, इट मेक्स सेवरल एक्सेप्शंस विच वी आर गिवन बिलो। ये बहुत सारे एक्सेप्शंस को देता है। करें आइडेंटिफाई टू एजम्पन्स विच डू नॉट मीट फॉर अ पॉपुलेशन टू रीच हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। इनमें से दो एक्सेप्शन को बताइए जो कि किसी भी पॉपुलेशन को हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुँचने देता।
पहला है रैंडम मेटिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉन ओवरलैपिंग जनरेशन, अकरेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो ऑप्शन ए है फोर्थ एंड फिफ्थ, ऑप्शन बी सेकेंड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड ऑप्शन डी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फोर्थ एंड फिफ्थ, अकरेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, अगर नेचुरल सिलेक्शन होगा और पॉपुलेशन की साइज छोटी होगी तो हार्डी वेलवर इक्विलिब्रियम पे पॉपुलेशन नहीं पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मोस्ट सिमिलर टू मॉडर्न मैन, इनमें से कौन सा मैन मॉडर्न मैन से बहुत ज़्यादा सिमिलर था। ऑप्शन ए जावा मैन, ऑप्शन बी नीट डर्थल मैन, ऑप्शन सी होमो हैबिलिस एंड ऑप्शन डी क्रो मैग्नॉन मैन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नीट डर्थल, ओ सॉरी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी क्रो मैग्नॉन मैन। जो ब्रेन कैपेसिटी थी वह नीट डर्थल मैन की ब्रेन कैपेसिटी मॉडर्न मैन की काफ़ी सिमिलर थी, बट जो बॉडी स्ट्रक्चर पोस्चर था वह क्रो मैग्नॉन मैन का सबसे ज़्यादा सिमिलर था। द स्केलेटन ऑफ क्रो मैग्नॉन मैन वॉज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द मॉडर्न मैन। और यहाँ से शुरू होता है टाइप बी असर्शन रीजन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 से 26 के लिए आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी ई। क्वेश्चन नंबर 17 असर्शन, वी हैव लॉस्ट ऑल द डायरेक्ट एविडेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ के सभी जो डायरेक्ट एविडेंस थे उसे खो दिया है। एंड रीजन है द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एविडेंस वी आर नॉट स्किल्ड, क्योंकि जो जिन व्यक्तियों को हमने एविडेंस को सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त किया था या जो जिम्मेदार थे उसके लिए वे स्किल्ड नहीं थे, उनकी नॉलेजबल नहीं थे। एसर्शन तो सही है कि हमने सभी डायरेक्ट एविडेंस को खो दिया है, लेकिन रीजन गलत है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, 1998 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, जिंक को असर्शन है जिंक को बिलोबा इज अ लिविंग फॉसिबल फॉसिल, जिंक को बिलोबा एक लिविंग फॉसिल है। रीजन ऑर्गेनिजम्स विच हैव परसिस्टेड एंड रिमेन अनचेंज फॉर द पास्ट सेवरल मिलियन ईयर्स वाइल देयर रिलेटिव्स डिसअपियर्ड, वे ऑर्गेनिज्म जो कि खुद क्या है परसिस्टेंट बने हुए हैं बहुत सारे सेवरल मिलियन ईयर्स से, लेकिन उनके जो रिलेटिव्स हैं वह क्या है खो गए हैं। असर्शन भी करेक्ट है, ये लिविंग फॉसिल है लेकिन इसके जो रिलेटिव्स वो खो चुके हैं, और रीजन भी सही है। करेक्ट आंसर है ए बहुत असर्शन है रीजन है करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन, एमंग द प्राइमेट्स, प्राइमेट्स के अंदर चिंपांजी इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ द प्रेजेंट डे ह्यूमंस, प्रेजेंट डे ह्यूमंस का जो सबसे करीबी रिलेटिव है संबंधी है वह चिंपांजी है। रीजन द बैंडिंग पैटर्न इन द ऑटोसोम नंबर्स 3 एंड 6 ऑफ मैन एंड चिंपांजी इज रिमार्केबली सिमिलर, क्योंकि जो ऑटोसोम का बैंडिंग पैटर्न है 3 और 6 का वह मैन और चिंपांजी का सिमिलर है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एसर्शन भी सही है रीजन भी सही है, और एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है रीजन, 2004 में आया था। क्वेश्चन नंबर 20 असर्शन, फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू ह्यूमन गेस्टेशन पीरियड इज बिलीव टू बी शॉर्टनिंग, अगर हम इवोल्यूशनरी पॉइंट से देखें तो मनुष्य का जो गेस्टेशन पीरियड है वह कम होता जा रहा है। रीजन वन मेजर इवोल्यूशनरी ट्रेंड इन ह्यूमंस हैज़ बीन द लार्जर हेड अंडर गोइंग रिलेटिवली फास्टर ग्रोथ रेट इन द फीटल स्टेज, इसमें जो मुख्य प्रमुख इवोल्यूशनरी ट्रेंड देखने को मिला है ह्यूमन के अंदर वह है कि उनका जो हेड है वह लगातार बड़ा होता जा रहा है, उसमें ग्रोथ तेजी से हो रही है फीटल स्टेज के अंदर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एसर्शन और रीजन दोनों गलत हैं, ठीक है एसर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 असर्शन, कोई सर्वर्स आर बिलीव टू बी द प्रिकर्सर्स ऑफ लाइफ, कोई सर्वर्स को हम लाइफ का प्रिकर्सर मानते हैं। रीजन है कोई सर्वर्स वी आर सेल्फ डुप्लीकेटिंग एग्रीगेट्स ऑफ प्रोटीन सराउंडेड बाई लिपिड मॉलिक्यूल्स, कोई सर्वर्स सेल्फ डुप्लीकेटिंग एग्रीगेट्स थे प्रोटीन के जो कि लिपिड मॉलिक्यूल से घिरे हुए थे। तो यहाँ पे एसर्शन भी गलत है रीजन भी गलत है, कोई सर्वर्स आर लार्ज कोलाइडल एग्रीगेट्स फॉर्म ड्यू टू इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन फ्रॉम लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज एबायोटिकली ऑन प्रिमिटिव अर्थ, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स पॉलीसेक्राइड्स एंड वाटर, दे डू नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर ए प्रोबेबल प्रिकर्सर ऑफ लाइफ। 22 ह्यूमन एंसेस्टर्स नेवर यूज्ड दियर टेल्स एंड सो द टेल एक्सप्रेसिंग जीन हैज डिसअपियर्ड इन दिम, रीजन है लैमार्क्स थियोरी ऑफ इवोल्यूशन इज पॉपुलरली कार्ल थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म,
और लेमार की जो थ्योरी है उसे हम कंटिन्यूटी ऑफ जर्म क्लॉज भी कहते हैं। तो एसर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है, एसर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। 2005 में आया था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब चलो हम लेमार की थ्योरी बता देते हैं। अकॉर्डिंग टू लेमार थ्योरी, कंटिन्यूअस डिस यूज ऑफ ऑर्गन्स मेक्स देम म्यूट। द थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज वॉज गिवन बाई बिस्मैन। जर्म प्लाज की जो थ्योरी थी वो बिस्मैन ने दी थी, ना कि लेमार्क ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 23, कॉम्परेटिव बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन फेवर ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ लिविंग बींग्स। जो कॉम्परेटिव बायोकेमिस्ट्री है वो हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस देती है कॉमन एंसेस्ट्री, लिविंग बींग की कॉमन एंसेस्ट्री के फेवर में। रीजन है जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। तो असर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 24, असर्शन, डार्विन फिंचेज शो अ वेराइटी ऑफ बीक्स सूटेड फॉर ईटिंग लार्ज सीड्स फ्लाइंग इंसेक्ट्स एंड कैक्टस सीड्स। डार्विन फिंचेज क्या होते हैं, बहुत सारी बीक्स की वेराइटी शो करते हैं जो कि उनके बड़े सीड खाने के लिए, फ्लाइंग इंसेक्ट और कैक्टस सीड खाने के लिए फेवरेबल होता है। रीजन है एंसेस्ट्रल सीड ईटिंग स्टॉक ऑफ डार्विन फिंचेज रेडिएटेड आउट फ्रॉम साउथ अमेरिकन मेनलैंड टू डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज ऑफ द गैलापागोस आइलैंड वेयर दे फाउंड कम्पिटिटिव फ्री न्यू हैबिटेट्स। रीजन ये था कि जो एंसेस्ट्रल सीड ईटिंग स्टॉक थे डार्विन फिंचेस के, वे क्या हुए वहाँ से छोड़ करके साउथ अमेरिकन मेनलैंड को गैलापागोस आइलैंड पे गए, जहाँ पे उन्हें अलग अलग नए नए हैबिटेट मिले, उसके हिसाब से उन्हें अपने आप को डेवलप कर लिया। तो एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2005 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 25, असर्शन, द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपियर्ड ऑन द अर्थ वेयर नॉन ग्रीन एंड प्रिजुम्बली एनएरोब्स। जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म थे जो कि अर्थ पे आए वे नॉन ग्रीन थे और प्रिजुम्बली एनएरोब्स थे। रीजन द फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वेयर द कीमो ऑटोट्रॉप्स दैट नेवर रिलीज ऑक्सीजन। पहले जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म थे वे क्या थे, कीमो ऑटोट्रॉप थे जिन्होंने कभी ऑक्सीजन रिलीज नहीं की। तो 25 के लिए करेक्ट आंसर होगा बी, बिकॉज द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपियर्ड ऑन द अर्थ वेयर हेटरोट्रॉफिक बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग एटमोसफियर एंड द फर्स्ट ऑटोट्रॉप्स वेयर कीमो ऑटोट्रॉप्स। एसर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, द अर्लीस्ट फॉसिल फॉर्म इन द फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स इज इकोहिप्पस। पहला जो फॉसिल बना हॉर्स की फाइलोजेनी में उसे इकोहिप्पस कहते हैं। रीजन इकोहिप्पस लिव ड्यूरिंग द अर्ली प्लियोसिन इपोच, क्योंकि जो इकोहिप्पस है वह अर्ली प्लियोसिन इपोच के दौरान अर्थ पे पाया गया था। तो इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एसर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। इकोहिप्पस इज द अर्लीस्ट फॉसिल फॉर्म इन द फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स। ओरिजिन ऑफ हॉर्स टू प्लेस इन द इकोसिन पीरियड नॉट प्लियोसिन पीरियड। एसर्शन सही है, रीजन गलत है। ये क्वेश्चन 2007 में आया था। क्वेश्चन नंबर 27 से 30 के लिए डायरेक्शन दिया गया है, चार ही ऑप्शन होंगे यहाँ पे। 27, असर्शन, द प्रीएम्प्टिव एटमॉस्फियर वाज रिड्यूसिंग वन, इट मीन्स विदाउट ऑक्सीजन। जो अर्थ का पहला एटमॉस्फियर था वह रिड्यूसिंग वन था क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। रीजन इन द प्रीएम्प्टिव एटमॉस्फियर ऑक्सीजन वाज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मिंग ओजोन, क्योंकि प्रीएम्प्टिव एटमॉस्फियर में ऑक्सीजन ओजोन बनाने में शामिल था। तो एसर्शन सही है, रीजन गलत है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2009 में आया था। क्वेश्चन नंबर 28, असर्शन, जावा इप मैन पेकिंग मैन एंड हिडलबर्ग मैन आर फॉसिल्स ऑफ होमो इरेक्टस। जावा इप मैन पेकिंग मैन और हिडलबर्ग मैन सभी होमो इरेक्टस के फॉसिल हैं। रीजन होमो इरेक्टस इवॉल्व फ्रॉम होमो हैबिलिस, क्योंकि होमो इरेक्टस होमो हैबिलिस से इवॉल्व हुआ था। तो इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। द फॉसिल्स ऑफ जावा एप मैन वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम प्लियोस्टोसिन रॉक्स इन सेंट्रल जावा। द फॉसिल्स ऑफ पेकिंग मैन वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम द लाइम स्टोन केव्स ऑफ काउकोसियन नियर पेकिंग, वाइल दैट ऑफ हिडेलबर्ग मैन वॉज डिस्कवर्ड इन मिड प्लियोस्टोसिन। ऑल दीज थ्री फॉसिल्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस अपियर्ड अबाउट 1.7 मिलियन ईयर्स एगो इन द मिडल प्लिस्टोसिन। क्वेश्चन नंबर 29, नेचुरल सिलेक्शन इज द आउटकम ऑफ डिफरेंस इन
सर्वाइवल एंड रिप्रोड्यूसिंग एमंग इंडिविजुअल्स दैट सो वेरिएशन इन वन आर मोर ट्रेट्स। रीजन, एडाप्टिव फॉर्म्स ऑफ अ गिवन ट्रेट टेंड टू बिकम मोर कॉमन, लेस एडाप्टिव वंस बिकम लेस कॉमन आर डिसअपियर। सही है, नेचुरल सिलेक्शन जो होता है और सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में किसी एंजल के इंडिविजुअल्स के अंदर में जो सर्वाइवल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आते हैं ये क्या ज़्यादा करेक्टर्स के अंदर, तो वह होता है नेचुरल सिलेक्शन। और एडाप्टिव फॉर्म जो होते हैं वे ज़्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है, और कम एडाप्टिव होते जाते हैं जो वे क्या होते हैं धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते हैं। तो एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। यह क्वेश्चन दो बार आया है 2004 और 2012 में। क्वेश्चन नंबर 30, असर्शन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फर्स्ट इवॉल्व्ड इन अर्थ रिक्वायर्ड फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ वेयर प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पहली बार इस अर्थ पे इवॉल्व हुए ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए वे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड थे। रीजन, ऑल लाइफ फॉर्म्स वेयर इन वाटर इन्वायरमेंट। इसका रीजन यह है कि सभी जो लाइफ फॉर्म्स थे वाटर में थे। तो सही तो दोनों चीज़ें हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट फर्स्ट इवॉल्व्ड इन अर्थ विच रिक्वायर्ड फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ वेयर प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड आर लाइफ फॉर्म्स वेयर इन एक्वेटिक एनवायरमेंट ओनली। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एसर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो दोस्तों इसी के साथ हमने एम्स 21 ईयर का क्वेश्चन कंप्लीट किया। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि सब हर स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।